हेलो दोस्तों, नमस्कार। अच्छा, तुमने कभी अपनी माँ की आंखों में देखा है कि जब वह दिन रात घर में काम कर रही होती है तो वह तुम्हारे लिए कितना दर्द सहती हैं? कभी तुमने अपने पापा के उस चेहरे को देखा है जब वह दिन रात काम करते हैं पैसे कमाने के लिए, ताकि तुम्हें पढ़ा सके, ताकि तुम्हें खुश रख सके, ताकि तुम्हारी जिंदगी को बेहतर बना सके। लेकिन मेरे दोस्त, तुम्हारा काम है सिर्फ पढ़ना और तुम वह भी नहीं कर रहे हो। तुम इस पढ़ाई के दर्द को सह नहीं पा रहे हो। तुम्हें दर्द होता है पढ़ाई करने में, पढ़ने का मन नहीं करता, फिर तुम उसे छोड़ देते हो, बहाने मारते हो कि आज नहीं कल पढ़ता हूँ। पापा कहते हैं कि बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है, आप तो कहते हैं कि पढ़ाई अच्छी चल रही है, लेकिन यहाँ तो टाइम पास कर रहे हो, गेम खेल रहे हो, दोस्तों के साथ चैट कर रहे होते हो, तुम गर्लफ्रेंड से बातें कर रहे हो, तुम घूम रहे होते हो। दोस्त, जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना कि तुम दुनिया से हजारों झूठ बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जिस दिन तुमने खुद के साथ झूठ बोलना शुरू कर दिया, तुम्हारी जिंदगी तहस नहस हो जाएगी, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम यह बार बार सोचते रह जाओगे कि साला मैंने यह क्या किया, और पता है ना, तुम इस वक्त भी वही कर रहे हो, हर दिन खुद से झूठ बोलते हो, एक नहीं बल्कि सैकड़ों झूठ बोलते हो कि कल पढ़ूंगा, लेकिन नहीं पढ़ते हो। लेकिन मेरे दोस्त, मुझे पता है तुम नहीं पढ़ोगे, ना तुम्हारे सपनों में जान है, ना तुम्हारी पढ़ाई में जान है, ना तुम्हारे कमिटमेंट में जान है, झूठ पर झूठ, झूठ पे झूठ, टाइम पास पर टाइम पास। भाई तू कर क्या रहा है? तुझे पता है कि तुम्हारे लिए कुछ भी बनना कितना इम्पोर्टेंट है? पता है कि दुनिया पिछले 20 सालों में कितना बदल चुकी है? इस दुनिया में कोई भी तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा तब है जब तुम कुछ हो। अगर तुम कुछ भी नहीं हो तो कोई तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे घर वाले भी तुमको धक्का मार के निकाल देंगे कि साला किसी काम के लायक नहीं है। और अगर ऐसे ही तुम्हारी शादी हो गई ना, तो तुम्हारी बीवी भी 10 गालियां देती। मेरे दोस्त, ये सच है मेरे भाई, आज की दुनिया की सच्चाई यही है। अगर तू चाहता है ना कि तू अपनी जिंदगी में खुश रहे, तो कुछ बन और खुद पर राज कर, यही सही वक्त है खुद को बदलने का। दुनिया के बारे में मत सोच, अपने बारे में सोच, यह दुनिया खुद तुम्हारे बारे में सोचेगी मेरे दोस्त। तो जा, उठ और आज से पढ़ना स्टार्ट कर दे, फाड़ के रख दे किताबों को, बैठा दे दिमाग में सारी किताबों को, अपने दिमाग में एक एक बुक को बैठा ले, एक घंटे ही सही लेकिन पढ़ाई करना स्टार्ट कर दे, और आने वाले एग्जाम में टॉप करके दिखा, पूरे कॉलेज में अपना नाम रोशन कर दे। अपने हौसलों को यह मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, अपनी परेशानी को यह बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। शेर आगे छलांग मारने के लिए एक कदम पीछे हटाता है, इसलिए जब जिंदगी आपको पीछे धकेलती है तो घबराए नहीं, जिंदगी आपको ऊंची छलांग देने के लिए तैयार है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, यह वीडियो आपको कैसी लगी है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।